देखिए ये जो है वंडरिंग जू जो है लगाऊंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल इजी गार्डनिंग में। तो फ्रेंड्स, आज वीडियो मैं शेयर करूंगी आपके साथ एक हैंगिंग प्लांटर जो है मैं बनाऊंगी, और वो मैंने वेस्ट मटेरियल से ही बनाया है टोटल। तो उसको देखेंगे तो आप तो बहुत ही सुंदर लगेगा। वीडियो आपको ज़रा भी अच्छी लगे, सुंदर लगे, तो आप जो है वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मेरा ये मैंने ये ढक्कन जो है पेंट कर लिया है, और इसमें मैंने जो है होल भी कर लिए हैं एक जो है पेचकस की मदद से। आपके पास जो भी हो उस टूल से आप जो है गर्म करके इसको जो है होल बना सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने ये चार होल बनाया ताकि हम इसे हैंग करने के लिए इसमें जो है डोरी वगैरह बांध सकें। तो मेरे पास देखिए ये ऊन वाला थ्रेड पड़ा हुआ था, तो मैंने इसी को तीन चार जो है लेयर करके इसमें जो है मैंने इस तरह से ये बांध दिए हैं। तो फ्रेंड्स, आप जो है रस्सी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर वायर भी जो है ले सकते हैं। अब हमें करना क्या है कि हमें जो है इन होल में जो है जो हमने अपने ये कप जो है पेंट किए थे, यहाँ पर देखिए ये सब दही वाले कप हैं, मैंने इनको दो कलर में पेंट कर लिया है, और इनमें भी मैंने नीचे की तरफ होल किया है क्योंकि इनमें हम छोटे छोटे प्लांट लगाएंगे, और इन साइडों में भी जो है मैंने इनमें जो है होल किए हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर होल जो है बराबर बराबर में होने चाहिए आमने सामने, नहीं तो फिर ये जो है ऊँचे नीचे जो है दिखाई देंगे। तो मैंने सभी में होल कर लिए हैं, नीचे की तरफ भी और यहाँ साइडों में भी। अब इनमें हमें जो है डोरी बांधनी है, और डोरी बांधने के बाद जो है एक एक करके जो है इनमें बांधते चले जाएंगे। तो एक पहले छोटा रखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। चलिए हम दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए इन कपों में मैंने देखिए होल जो किए थे तो यहाँ पे किए हैं और एक यहाँ पे, क्योंकि ड्रेनेज होल भी हमें बनाना है। और फिर हमने जो है इस तरह से जो है ये एक छोटा टुकड़ा काटा, इस तरह से बांध लिया, और फिर एक जो है रस्सी यहाँ पर हमने यहाँ पर बांध ली ताकि हम उसमें जो है इसको हैंग कर सकें। तो पहले हम छोटी जो है बनाएंगे रस्सी, छोटी लगाएंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। इस तरह से हम पूरे जो है अपने इस ढक्कन में इन सभी को जो है हैंग कर देंगे। तो देखिए ये जो होल किए हैं ना हमने, इन्हीं में हमें जो है इनको बांधना है इस तरह से। थोड़ी सी दिक्कत होगी लेकिन जो है बंद जाएंगे। तो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर इस तरह से जो है हम पहले छोटा ये छोटी रस्सी रखेंगे, और इसके बाद वाला इसे थोड़ी बड़ी रखेंगे। तो इसको हम जो है अच्छी तरह से यहाँ पर जो है बांध देंगे। मैंने जो ये हैंगिंग प्लांटर बनाया उसमें जो है मैं सॉइल मिक्सचर बिल्कुल हल्का भरूंगी क्योंकि ये हमें हैंग करना है। तो उसके लिए देखिए मैंने यहाँ पर ये कोकोपीट लिए, मैं अभी जो है ज़्यादा नहीं दिखा पा रही हूँ आपको, मैं अलग से बनाऊंगी ये, मैं आपको एक ही जो है ये प्लांटर जो है भर के दिखाऊंगी। और यहाँ पर मैंने ली है ये मिट्टी, थोड़ा सा इसमें सैंड भी मिक्स है, और इसमें कंपोस्ट जो है वर्मी कंपोस्ट वगैरह जो है मिला सकते हैं, या फिर काउडंग कंपोस्ट जो है मिला सकते हैं कि हमारा सॉइल मिक्सचर हल्का रहे। और देखिए कोई भी प्लांट आपके मन पसंद हो जो ईजी तरीके से छोटे जो है पॉट में ग्रो हो जाए, उस तरह के आप जो है लगा सकते हैं। मैं देखिए ये जो है वंडरिंग जू जो है लगाऊंगी, और फिर आपसे मिलती हूँ बाद में, मैं आपको दिखाती हूँ एक में लगा के। सभी में लगा दूंगी और फिर आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, फाइनली देखिए मेरा हैंगिंग प्लांटर ये बनके रेडी हो गया है, बहुत ही खूबसूरत सा। तो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं।